मोदी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, यानी कि पहले बेटी की सुरक्षा और उसके बाद उसको पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाना। मोदी सरकार ने तो इसी उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया था, लेकिन कब ये अभियान एक चुनौती बन गया पता नहीं चला। मतलब बेटी बचा सको तो बचा लो, हाथरस का कांड यही कहता है। जहां बेटी बचाई नहीं जा सकी, बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी वारदात को अंजाम दिया गया, अलीगढ़ में उसका इलाज कराया गया, हालत खराब होने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन उसके प्राण तो मानो 14 सितंबर की रात को ही उन हैवानों ने खींच लिए थे। ये तो बस बची कुची सांसें थी जो वो 29 सितंबर की सुबह 6 बजे तक ले रही थी। लेकिन उसके बाद बेटी की जान जाने के बाद भी उसके शरीर और उसके परिवार के लिए परेशानियां खत्म नहीं हुई। उसके बाद शुरू हुई शव के साथ साथ उससे जुड़े सभी सबूतों को मिटा देने की जोर जबरदस्ती। आरोपी है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस ने परिवार को नहीं दिखाया बिटिया का मुंह। शव घर पहुंचा तो शव एम्बुलेंस से बाहर ही नहीं निकाला। बिटिया को ना तो अपने आंगन की मिट्टी नसीब होने दी और ना ही हल्दी। बेटी को विदा ही नहीं करने दिया गया। बेटी के शव को ले जाकर रात के 2:30 बजे खेत में जला दिया गया। अगर उन हैवानों ने बेटी के साथ बर्बरता की हदों को पार किया तो यूपी पुलिस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और उसके बाद इस तरह की कार्यशैली के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आवाज मुखर की है। सोनिया गांधी ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। योगी सरकार से, आपसे, हमसे, हम सबसे पूछा है कि क्या बेटी होना गुनाह है? भाइयों और बहनों नमस्कार। आज देश के करोड़ों लोग दुख और गुस्से में हैं। हाथरस की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई। मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी। उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। जोर जबरदस्ती करके लड़की की लाश जला दी गई। मरने के बाद भी इंसान की एक गरिमा होती है। हमारे हिंदू धर्म उसके बारे में भी कहता है, मगर उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस की ताकत के जोर से जला दिया गया। ये कैसा न्याय है? ये कैसी सरकार है? आपको लगता है आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं, देश बोलेगा आपके अन्याय के खिलाफ। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथरस के पीड़ित परिवार की न्याय की मांग के साथ खड़ी हूँ। भारत
सबका देश है, यहाँ सबको इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। हम भाजपा को संविधान और देश को नहीं तोड़ने देंगे। जय हिंद। सोनिया गांधी ने तो जय हिंद बोलकर अपनी बात को विराम दे दिया, लेकिन क्या सच में ऐसे हिंदुस्तान की हम मुंह खोलकर जय कर पा रहे? परेशानी ये है कि ये कोई पहली बेटी नहीं है जिसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। बेटियों के साथ रोज के तौर पर इस हैवानियत का नंगा नाच किया जाता है और सत्ता, प्रशासन, शासन सब मूक बनकर तमाशा देखते हैं। हम आप सब सिर्फ तमाशा देखते हैं, कर कुछ भी नहीं पाते, क्योंकि कमी तो हमारी मानसिकता की है ना। बेटियों को लेकर हमारी सोच की कमी है। बेटियों को हमेशा नीचे दबा हुआ महसूस कराने की है। जरा सी भी बेटी ऊपर उठने की कोशिश करती है तो ये होता है बेटी के साथ। हालांकि सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर काफी सटीक सवालों को पूछा है और अपनी भावनाओं को काफी सच्चाई से रखा है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।